आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी एक मिठाई की रेसिपी जिसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे बहुत ही कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हो और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटे वाला मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच भर के चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो, जितना मीठा आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं कम चीनी का यूज़ करके ये मिठाई बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से बादाम। तो ड्राई फ्रूट भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कम ज़्यादा, या आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बिना भी मिठाई हमारी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ। इलायची से मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे नारियल का बूरा डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच इसमें नारियल का बूरा डालूँगी, जिससे मिठाई हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इन सबको हमें अच्छे से पीस लेना है और इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका पाउडर बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो पाउडर हमारा बहुत ही अच्छे से फिस गया है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फिस गया है। इसी तरीके से हम इसे फिस के तैयार कर लेंगे। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हो जो आपके पास हो। तो यहाँ पर हमें सारे पाउडर को इसी बर्तन में निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पाउडर को निकाल दिया है। तो पाउडर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हमें लेंगे मिठाई बनाने के लिए बिस्किट। तो यहाँ पे देखिए मैंने पार्ले जी बिस्किट के छोटे वाले पैकेट लिए हैं, 5 रुपए वाले। तो ये बिस्किट बड़ी आसानी से हमें मिल जाते हैं, किसी भी शॉप पे आपको बिस्किट ये मिल जाएंगे। और आज ये मिठाई हम पार्ले जी बिस्किट से बनाएंगे और आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये हमने बिस्किट से मिठाई बना के तैयार की है, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे हमने 4 डिब्बे पार्ले जी बिस्किट के लिए हैं। इन सबको मैंने अच्छे से निकाल लिया है और इसके हमें अब छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जिससे इसका पाउडर बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे सारे बिस्किट को हमें इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट को अच्छे से तोड़ लिया है। अब यहाँ पे हमें वही मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हमें थोड़े थोड़े बिस्किट डाल के इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से बिस्किट मैंने डाल दिए हैं, इसका हमें पाउडर बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसका पाउडर बना लेंगे। ज़्यादा मिक्सी में नहीं चलाना है, हल्का हल्का चलाने से ही इसका पाउडर बन जाता है। तो इसमें मैंने छोटे छोटे टुकड़े लग रहे हैं बिस्किट के, तो इसलिए हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे आटे वाली छलनी से हमें इसको अच्छे से छान लेंगे। जो भी टुकड़े रहे हैं बड़े वो इसमें रह जाएंगे और पाउडर हमारा बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको भी हमने पीस के अच्छे से छान लिया है। तो पाउडर हमारा बिल्कुल तैयार है बिस्किट का, और इसको भी हमें उसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारा पाउडर हमें अच्छे से निकाल दिया है और इसे बनाना इतना आसान है कि हमें ना इसे घंटों पकाना है, ना हमें यहाँ पे इसमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है। इतना आसान है इसे बनाना, कोई भी इसे बना के तैयार कर सकता है, इतना आसान है इसे बनाना। तो इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें ना घी का यूज करेंगे, ना यहाँ पे हमें चाशनी का यूज करेंगे और ना ही इसमें हम मावे का यूज करेंगे। तो इसमें हम यूज करेंगे मलाई का। तो यहाँ पे हमने घर की फ्रेश मलाई का यूज़ किया है। 1/2 कप मैंने यहाँ पे मलाई ली है। इसको हमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो गया है। आपको इसमें थोड़ी सी मलाई कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये लग गया है और घी सा इसमें से रिलीज हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने मलाई का यूज़ किया है, घी का हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। और देखिए सारी मलाई हमारी इसमें लग गई है।
तो अब मिठाई का डो बिल्कुल तैयार है। अब हमें यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, इसको हमें घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से, जिससे मिठाई निकलने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से चारों तरफ से हमें अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें मिठाई का डो डाल के इसको अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए हाथ से इस तरीके से हमें दबाते हुए अच्छे से इसे सेट कर देंगे, और आप देख सकते हो कितना आसान है इसे बनाना। बहुत ही कम टाइम में और कम मेहनत में हमारी ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो इसको अच्छे से हमें सेट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चम्मच से हमें इस तरीके से इसे दबाते हुए बिल्कुल प्लेन कर लेंगे, जिससे मिठाई दिखने में भी अच्छी लगे। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, केवल 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए इसे रखे हुए, मिठाई हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ये दिखने में भी, और कितना अच्छा इसमें कलर आया है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से लुक के लिए इस पर हम थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाएंगे, जिससे मिठाई हमारी बहुत ही अच्छी लगेगी दिखने में। तो आपके पास चांदी का वर्क है तो आप लगा सकते हो, या स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से इस पर लगा देंगे, तो ये लगेगी नहीं कि ये मिठाई हमने बिस्किट से बनाई है। और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट ये मिठाई हमारी बनके तैयार होगी। तो अब हम इसे काट लेंगे, तो आप जिस भी शेप में इसे काटना चाहते हो उस शेप में आप इसे काट सकते हो, बहुत ही आसानी से ये कट जाती है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे चक्की के शेप में अच्छे से काट लिया है, बहुत ही आसानी से कट गई है और बहुत ही सॉफ्ट ये हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। और दिखने में भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी दानेदार ये मिठाई बनके तैयार हुई है। और खाने में तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मिठाई हमने बिस्किट से बनाई है। इतना आसान है इसे बनाना, तो आप इसे बना के 1 से 2 दिन के लिए रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आप इसे कम सामान में और कम टाइम में ये मिठाई आप बना के तैयार कर सकते हो, इतनी आसान है इसे बनाना और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।